मेहमान है, आप होस्ट हैं, ये राइड है। तुम ऐसे आए सीढ़ी पे बैठे हुए, किसी की दुल्हन ना बन जाना। बुरा तो नहीं गाया? नहीं नहीं बहुत बुरा। पहला सीन करने आया और आके उन दोनों को देख के लाइन में भूल गया। 50 लिटर लेते और लगाते हुए पहली वाली है। दो दिन की शूट हुई, फिर डब्बा हो गया। ना करो यार। पहली जॉब जो की थी वो रबर पेन की फैक्ट्री में की थी। शादी के बाद भाभी ने कभी पुरानी मोहब्बतों के ताने मारे? आते कितने अंडे खा रहे तुम? 14-16 देते भी हैं या सिर्फ खा रहे हो तुम? दोस्ती और प्यार हमेशा कुर्बानी मांगती है। लेकिन नहीं, मार्कर से नहीं बनाई, फुल मेहनत की है। और कुछ मिथ्स हैं बॉडी बिल्डिंग की, आज जो हम इसे डिस्कस करेंगे। एक्टिंग की तो बात करेंगे करेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी बॉडी ऐसी है कि इनकी बॉडी की अगर बात ना की जाए तो फिर समझो कि यार बात ना मुकम्मल रह जाएगी। तो आपकी भरपूर ताले बुलाते हैं मेरे बहुत ही टैलेंटेड दोस्त। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ऑल गुड? ऑल गुड। अच्छा भाई, कहाँ से शुरू करें आप बताएं? जहाँ से आपकी मर्जी, मेहमान है, आप होस्ट हैं। बहुत ही गलत बात कर रहे भाई। अब शुरू करते हैं आपकी पैदाइश से। सऊदी अरब में आप पैदाइश जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान कब आना हुआ फिर आपको? यार पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ आता रहता था, लेकिन जो परमानेंट आया हायर स्टडीज के लिए वो मैं मैट्रिक में आ गया था। मैट्रिक में? हाँ, मैट्रिक में। तो क्यों ये आपने फैसला लिया? वहाँ पे मैट्रिक ठीक नहीं करवा रहे थे? वहाँ पे मैट्रिक ठीक नहीं करा रहे थे यार। अरबी बोलते थे, अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ी नहीं आती थी। नहीं नहीं यार, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त स्टडी का इतना ज्यादा वहाँ पर रुझान नहीं था। लेकिन अब राइट नाउ अब स्टडीज बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे स्कूल्स हो गए हैं और आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ का अच्छा होता जा रहा है। इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, और क्योंकि अब्बू जो थे, मेरे फादर जो थे, वो नेशनल आर्मी में थे सऊदीया के, तो वो दिन रात उनका काम वहीं पर होता था। तो अम्मी इस तरीके से हमें टेक केयर नहीं कर सकती जिस तरह हम पाकिस्तान में सकते थे। तो बस तो आप अब्बा की तरह फौज में क्यों नहीं गए? आप मौज में क्यों आ गए? फौज बन तो गए, इंटरनली तो फौज ही बने। उठना बैठना डेली रूटीन जिस किस्म का है मेरा, वो फौजियों की तरह है। तो भाई आपने फिर जब पाकिस्तान आ गए, हायर स्टडीज आपने कर ली अपनी कंप्लीट, तो ये मॉडलिंग का ख्याल कब आया दिमाग में? यार मॉडलिंग का ख्याल तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही मैं इंटर हो चुका था। अच्छा, लेकिन मॉडलिंग पकड़ के लाया था आपको या खुद आए थे? नहीं नहीं, एक कोऑर्डिनेटर था, तो मैं बेसिकली क्रिकेट खेल रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि मॉडलिंग करोगे? मैंने क्यों देखा नहीं, मुझसे पूछ रहे? बोले हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। तो खैर वो फर्स्ट टाइम मुझे अपने साथ लेके भी गया। उसके बाद मैं इतना बेवकूफ इंसान, मैंने घर में आके बोले बाबा हीरो बन गया, कैरेक्टर मिल गया बड़ा ड्रामे के अंदर ये वो। अब मेरे घर वाले बोले अच्छा कैसे? मैंने कहा बस मिल गया ये वो। रोड पे मिले आज, जिसने कहा आज सुबह सुबह रेडी हो गए 9 बजे। 9 बजे उसने कहा लैब कोट और जो है ना 2-3 ना केमिस्ट्री और इन सब की ना बुक्स रख लो, मेरे साथ रख लिया। अब सुबह सुबह 9:30 बजे जब मैं पहुंचा सेट के ऊपर, एक कॉलेज के अंदर सीन हो रहा था, बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठा हुआ। उसने कहा यार मैंने बता दिया है यहाँ के लोगों को, तुम्हारे सीन जब होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। ओके। मैं सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक बैठा रहा, किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है। मैं उसी सीढ़ियों पे ऐसे का ऐसे ही बैठा रहा। वो आया बोला हाँ भाई सीन वीन हो गया, तुम क्या शूट वूट कर लिया? मैंने कहा कौन सी शूट कैमरे कहाँ लगे ये तो बता दो। पानी का नहीं पूछ रहा यार, कोई खाने का नहीं पूछ रहा यार, ये तो कुछ सीन ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो चलो मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलाता हूँ, शूट खत्म हो जाए। रात के 9 बजे डायरेक्टर के पास लेके जाए? 9:30 बजे जब सीन आखिरी कट हुआ, तो कट होने के बाद उसने कहा चलो आओ चलो, मुझे लेके गया। बोला डायरेक्टर से बोला ये राइड है और ये सुबह से आए हैं सीढ़ी पे बैठे हुए, इसको ना मॉडलिंग करनी है यानी एक्टिंग करनी है। तो मुझे यूं देखता है, मैंने कहा पहले हुलिया तो ठीक करके आओ। तो क्या हुलिया क्या था आपका, बिगड़ा हुआ था फुल?
हाँ वैसे अगर सुबह 9 बजे से एक लड़का सीढ़ी पे बैठा हो तो बिगड़ा नहीं, उसके अलावा भी यार अंडर 19 खेल रहा होता था उस टाइम पे जोन 2 से, तो सुबह क्रिकेट, रात क्रिकेट, शाम क्रिकेट, तो काम ही था क्रिकेट पढ़ाई तो यही चलता रहता था। वहां से आपको मोटिवेशन मिली कि मुझे अपने लुक पे काम करना है? हाँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों 2-3 डिसाइड हो गया, फिर वो दोबारा आया घर, पता नहीं उसको शायद मेरे मुझ पे कॉन्फिडेंस ज्यादा था उस बंदे को, कॉन्फिडेंस ही था कुछ को नजर थी आपको? नहीं नहीं, वो लड़के ने सीरियसली बताऊं उस वो आज तक बहुत रिगार्ड करता है। कौन, नाम क्या उनका? यार एक शेखू नाम का एक लड़का है जो बफर जोन में होता है। अच्छा। और अब वो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन करता है ये लोकेशन वोकेशन इन सब चीजों के लिए। उसने अपहरण किया था? उसने, और फिर सेकंड टाइम भी वो लेके गया था, फिर वहां मेरी मुलाकात हुई साकिब मलिक से, तो बस वो ऐसा हुआ कि मैं बिहाइंड द कैमरा मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा। बिहाइंड द कैमरा मैंने 8-9 साल काम किया। हाँ। फिर उसके बाद एक्टिंग चलते रही, मॉडलिंग चलते रही। तो मॉडलिंग में पहला बड़ा ब्रेक कब मिला? फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो जब मॉडर्न स्टूडियो ये पीछे ही था, होता 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 था कोने में, रोड के कोने में, अब तो खत्म हो गया, तो आपके एड के बाद ही खत्म कर दिया, ऐसे लड़के आ रहे हैं बंद करें स्टूडियो। देखिए स्टूडियो बहुत अच्छा था वो, तो वहां पर गया तो जब मैंने देखा मैंने कहा ये कपड़े की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई है, और मैं हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा असली है क्या, ये असली है नकली है? तो वो बड़ी अलग सी फीलिंग थी, तो बस वहीं से उन लोग की नजरों में आया था, तो फिर उसके बाद। और फिर मॉडलिंग से एक्टिंग में जंप कैसे मारा आपने? मॉडलिंग से एक्टिंग में जंप सीरियसली बताऊं तो ये फाद भाई के कारनामे है। अच्छा, फाद भाई। पहले मैंने जो अच्छा काम मैंने जो स्टार्ट किया है सही मानों में, वो मैंने बिग बैंग से किया था। पहला सीन रायदन एज एन एक्टर जो किया था वो याद है? मुझे याद है। क्या क्या सीन किया था वो? पहला सीन था तो उस सीन में मैं क्या नाम है एक ऑफिस का सीन था और अर्शी उसको डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो अर्शी भाई डायरेक्ट कर रहे थे, तो अब मैं था नवीद रजा, नवीद रजा का दोस्त बना हुआ था मैं, तो मुझे कहा कि ना तुम यूं आओगे और आके ना इस टेबल के कोने पे खड़े हो जाओगे और उस एक लड़के एक एक्टर है उसके साथ ये डायलॉग्स करोगे और तुम नवीद के दोस्त हो तो नवीद तुम्हारी सपोर्ट करेगा। तो मैं पहला सीन करने आया, मैं पहला सीन करने आया और आके उन दोनों को देख के लाइन भूल गया, टांग कांप रही है, मैं यूं कांप रहा हूँ और डायलॉग्स मुझसे बोले नहीं जा रहे, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। तो डायलॉग क्या था, याद है डायलॉग कुछ? यार वही दो ये दोस्त, मैं बस नवीद को सपोर्ट कर रहा था हर चीज पे, ठीक है, तो डायलॉग्स इतने खास मुझे याद नहीं है, तो सामने वाला जब उस वक्त याद नहीं था तो अभी कहां से याद, अभी कहां से याद होंगे, वो तो टेंशन के मारे डिलीट हो गए थे भाई, इसे देखकर डिलीट कर दिए। बड़ी सिंपल सी बात है, उस टाइम पे तो बस ये होता था कि डायलॉग्स फेंक दो, फेंक दो, अब फेंको, जान छोड़ाओ अपनी। हाँ। तो अर्शी भाई ने बोला अब मलबा मलबा मलबे मलबा हमारे सेट पे कहां गया, कहां से आ गया? तो खैर नहीं, वो तो खैर मजाक किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद अर्शी भाई ने ही बहुत सपोर्ट की थी मुझे, नवीद रजा ने बहुत सपोर्ट की थी। कितनी रिटेक्स थी उस सीन की, पहले सीन बहुत हुई थी यार, बहुत, मुझे तो याद पड़ता है शायद 17-18 तो हो गई होंगी, पहला सीन करियर का और 17-18 रिटेक्स दे दी भाई ने, कह रहे अभी कर लो बाद में ही करना, सामने वाला एक्टर तो चिढ़ गया था, किसको उठा के ले आते हैं, क्यों लेकर आ गए, कौन है ये बगावत से भैया। जब आपके आपसे लड़कों के साथ सीन नहीं हो रहा था, जब आपका पहला रोमांटिक सीन था वो कैसे किया था फिर आपने? अच्छा रोमांटिक, तो लड़की को टक्कर वक्कर तो नहीं मार दी थी? नहीं नहीं यार, वैसे तो पहला रोमांटिक सीन नहीं याद है मुझे। हाँ थोड़ी याद होगा, कांपता था शुरू के 2-3 साल तो पता ही नहीं चला ना कि हो क्या रहा है मेरे साथ, डायरेक्टर समझ रहे हैं, लड़के समझ रहे हैं, जो फीमेल है साथ में कुलीग वो समझ रही, लड़के में कमजोरी है, कांपता ही है, एसी वैसी बंद करा देते थे। वो पसीना इतना होता था, स्टार्टिंग होती थी या टेंशन वेंशन, फिर आहिस्ता 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 गेम चेंज समझ में आया कि ब्रो काम ही यही करने आया हूँ, ये करूंगा अच्छा तो अच्छी चीजें निकलेंगी और अच्छा आप करके परफॉर्म कर सकते हो, वरना तो घर जाओ यार। अच्छा भाई, हमने आपकी मॉडलिंग भी देखी, माशाल्लाह आपकी एक्टिंग भी देखी, आप अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जिस वजह से रायद को एक वो कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री में नाम बना, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनकी इतनी परफेक्ट बॉडी होती है यार, ये क्या राज है फिटनेस का? दो दो वजूहत है इसकी बहुत मेजर बॉडी बनाने के, फिल्म शूट हो रही थी तो उस फिल्म के लिए कोई और लड़का पहले से सिलेक्ट हो चुका था, तो पैशनेट तो था क्योंकि बिहाइंड द कैमरा काम कर रहा था, काम की समझ थी, उस वक्त मेरे 3-4 साल हो चुके थे, बाहर बहुत ज्यादा काम किया था, पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत ज्यादा काम किया था एस असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डीपी, तो प्रोफेशनलिज्म तो अंदर आ चुकी थी, तो मैंने कहा यार अगर ये कैरेक्टर मैं करूं, तो उन्होंने कहा यार कैसे करोगे यार ये सब चीज लॉक हो चुकी है, मैंने कहा नहीं नहीं मेरा ऑडिशन लो, प्रॉपर ऑडिशन लेना, तो जब मैं 6 महीने के बाद ऑडिशन देने के लिए टाइम हमारा डिसाइड हो गया कि 6 महीने के बाद अपना ऑडिशन, ठीक है, तो मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने 6 महीने लग के मैंने फुटबॉल सीखी थी,
ओके मैंने प्रॉपर अपनी फिजिक बनाई थी जिस तरह थाइस होती हैं एक फुटबॉलर की जिस तरह अपर फिजिक होती है बिल्कुल वैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आया था और मैंने ऑडिशन दिया था मैं सिलेक्ट भी हो गया था और फिर वो फिल्म की आपने दो दिन की शूट हुई फिर डब्बा हो गया ना करो यार हाँ छह महीने जिस फिल्म के लिए मेहनत की वो दो दिन में डब्बा कर दी दो दिन डब्बा हो गए आपकी वजह से डब्बा हुई थी या क्या नहीं फिर इंटरनल इश्यूज हुए थे स्क्रिप्ट राइटर के प्रोड्यूसर्स के और वो फिर फारिग भाई इस तरह भी होता है कि अक्सर आपकी मेहनत लेकिन देखो उस फिल्म के लिए आपकी बॉडी काम ना आई उसके बाद आपके करियर में आपकी बॉडी ने आपको बड़ा साथ दिया बहुत सारी शूट्स की हैं और फिर दूसरा जो लोग मुझे कहते थे कि तुम छोटे लगते हो स्क्रीन के ऊपर बहुत छोटे दिखते हो बहुत छोटे दिखते हो आप तो उससे फेस मैच्योर हुआ फिर मैं दूसरे लोगों को मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया हॉलीवुड के लिए बॉलीवुड के लोगों को देखा कि वो लोग जब आते हैं तो बहुत छोटे छोटे बेबी फेस लग रहा होता है लेकिन फिर वो क्या ऐसा करते हैं कि उनकी फिजिक अच्छी होती चली जाती है फेस मैच्योर होते चला जाता है बहुत सारी मिसाल है हमारे पास तो बस फिर मैंने उनको फॉलो करता रहा कॉपी करता रहा बल्कि राइट एक एक सवाल और भी यहाँ पे बनता है कि राइट ने कितने इंजेक्शन लगाए ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद Welcome back from the break. You are watching the National with Asam. हमारे साथ मौजूद है the Hercules. Right, I love. भाई कितने इंजेक्शन लगाए बॉडी बनाते हुए यार टू बी ऑनेस्ट बताऊं इंजेक्शन से बॉडी नहीं बनती इंजेक्शन नहीं बनती नहीं जो पागल अंग्रेज लगा रहे हैं ये जब इंजेक्शन जो बंदा यूज कर रहा होता है उसके लिए आपको उससे तीन गुना ज्यादा फिर मेहनत भी करनी होती अच्छा क्योंकि इंसान आमिर खान का इंटरव्यू आपने अक्सर सुना होगा कि अपने आप को जितना आप फील करते हो अगर आप उस लेवल की मेहनत करते हो उसी लेवल की तब वो यूटिलाइज होती हैं चीजें तो अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि इंजेक्ट कर लो तो बॉडी बन जाएगी तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं इंजेक्ट करने के बाद आपको डाइट आपकी चीजें और दूसरा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक्टर्स और मॉडल्स के लिए नहीं है ये सब चीजें ये सब उनके लिए जो कॉम्पिटिशन लड़ते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले लड़ते हैं स्टेज लड़ते हैं क्योंकि आपको जैसे कि ही मैन या हरकुलिस नहीं बनना होता है आपको एक नॉर्मल फिजिक चाहिए नॉर्मल से सिक्स पैक्स हो हल्का पुल्का शेप अप हो किसी ने लगाए हो पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं पाकिस्तान में किसी ने लगाई ये अपनी दोस्तियां बचा रहे हैं पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं लगाई साइड इफेक्ट्स मुझे जहाँ तक मेरी स्टडी है आपके हार्ट डिजीज हो सकते हैं आपके लिवर आपका डैमेज हो सकता है ताकत तो आती है लेकिन कमजोरी भी आ रही है साथ में क्या यार देखो यार हर किसी का पैशन है ना अब वो उनको करना ही जिंदगी भर स्टेज है और ओलंपिया लड़ना है या आईएफबीपी प्रो लड़ना है या आर्नल्ड क्लासिक लड़ना है तो उनका ड्रीम ही वही है अब जैसे बाकी उनका किसी काम की जिंदगी नहीं है किस काम की हमारी जो जिंदगी है हम लोग कहते हैं कि सब कुछ करना है हम लोग फिट रहें हम मीडियम साइज या स्मॉल साइज का कोट भी पहने टी शर्ट भी पहने और स्लिम एंड स्मार्ट और एक्टिव रहें और चाहे हर काम क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से स्पोर्ट्स भी हैं मैन भी हैं और एथलीट भी हैं खेलते ज्यादा हैं कूदते ज्यादा हैं तो ये सब चीजें इम्पॉसिबल हमारे लिए हाँ उतना बड़ा मैनेज हाँ, करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है हम क्या करेंगे अच्छा भाई पर्दा आपने उठाना है ये बोर्ड उठा के अपनी गोद में रख लें ओके आराम से ओके ठीक है जी पहला जो सवाल जिसे आपको पर्दा उठाना है वो है कि क्या राइट के स्कूल में क्लास फेलोज हटाइए उनका नाम ठीक से नहीं बोल पाते थे यार मेरा नाम तो जिंदगी में कभी कोई सही से ले नहीं सका असल तो... नाम आज राइट हमें बताएगा कि इसका असल नाम किस तरह प्रोनाउंस होता है भाई बताएं नहीं तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है मेरी ठीक है शुक्र राइट और वैसे रोहित रोहित हाँ रईत रईत और राहित राहिद और रईद सईद तो क्या क्या उल्टा उल्टा फुल्टा सब नाम लेते रहते हैं मैं तंग आ चुका हूँ मैं कहता हूँ जो बोलना तो बोल दे क्या कहते थे दोस्त रईद ज्यादा कहते थे किसी ने रिदा तो नहीं कहा आपको रिदा ने शायद रिदा कह दिया ओके जी क्या रईद ने वालिद को मना कर दिया था कि आपसे पैसे नहीं लूंगा खुद कमाऊंगा बिल्कुल सही बात है अच्छा क्या क्लास के बाद जो है ना क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो एट क्लास के बाद उन्होंने भी खुद कमाया था तो उन्होंने कभी किसी से कोई पैसे नहीं लिए अपना करियर खुद बनाया वाह तो बस मुझे भी वही पैशन था कि मैं अपना करियर खुद बनाऊं किसी भी तरीके से एट क्लास का निकल गया और पहली जॉब जो की थी वो मैंने एक रबर पेन की फैक्ट्री में की थी किस उम्र में नाइन्थ क्लास के 15 साल हाँ 15 साल रबर बैंड की कंपनी में क्या करते थे वहाँ रबर काटता था जो रबर काटते थे हाँ छुपके अम्मी अब्बू किसी को नहीं बताया था 2 बजे जाता था स्कूल के बाद और 5 बजे तक ये काम करता था फिर 5 बजे के बाद आके ट्यूशन्स पढ़ाने आता था तो उसके डेली वेजेस रोज उसकी तनख्वाह महीने के एंड में मुझे मिलते थे 1200 रुपए पूरा महीना मेहनत करने के बाद रबर बैंड काटने के बाद आपको 1200 मिलते थे और अपनी पॉकेट मनी उसी से निकालते उसी से निकालते तो ये घर वालों को फिर बाद में पता चला बहुत बाद में
लेकिन मैं ज्यादा देर काम नहीं किया, तीन चार महीने कर लिया थे। तीन चार पहले मुझे उस वक्त रबर बैंड का एहसास हुआ जब मशीन आपके बिल्कुल एक इंच के फासले से आपके हाथ से ब्लेड आपका चल रहा होता है और आपका सिर्फ हाथ एक इंच की दूर पर होता है और आपने सिर्फ यूं देखा और आप हाथ यूं आ जाएगा, इतना डेंजर होता है। क्या रायत ने 36 घंटे काम किया, अम्मी को रोते हुए फोन किया मैं घर आ रहा हूँ, ये क्या सीन है भाई, ये कौन सा काम किया, किसे निकाली ये सब चीजें इतनी इंटरनली। अम्मी को फोन किया था घर से पता किया यार 48 घंटे काम किया था। 48 घंटे बढ़ा दिया इसने। पहला एड था मेरा यार, वो मुझे समझ में ना आया कि काम हो क्या रहा है। अब वो आप बैठा हुआ काम करते रहे, ये जाओ वो लाओ ये लाओ वो करते जब टाइम का पता चला तो 48 घंटे मैंने अम्मी को फोन किया, रोते मेरे पांव के नीचे पानी कितने मोटे मोटे छाले बन गए। जिंदगी में कभी इतना काम ही नहीं किया था। मैं अम्मी यार बस वो एक काम करें गर्म पानी में नमक डाल के रखें, बस मैं आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए। मैं 2 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट थी लाहौर की, जो फिर हमने समी भाई वाला सारा सीक्वेंस किया था। तो मुझे जिंदगी में पहली दफा रियलाइज हुआ कि पैसा कमाना इतना मुश्किल काम है। ओके भाई, लोगों को दूर से लग रहा था कि ये एक्टिंग मॉडलिंग ये सब बहुत आसान काम है यार, पैरों में छाले पड़ जाते हैं भाई। ओके जी, अगला सवाल, क्या रायत को ये भी सुनने को मिला था कि अपना रंग गोरा करके आओ अपनी बॉडी बनाओ। ये तो भाई सिंपल सी बात है, अभी भी सुनने को मिलता है, अभी भी सुनने को मिल रहा है कि और गोरा करके आओ। सही तो है कॉम्प्लीट यार, हम मुझे तो ये ब्रिटिश पसंद है, लड़के इसी रंग के होते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं, लेकिन अभी भी स्टिल होता है कि नहीं 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 ये ड्रेसिंग ये कर लो, बाल को ये कर लो, और ना एक काम करो फेस को यूं कर लो। तो फिर मैं बोलता हूँ यार आपको मैं एडवाइस करूं, आप ऑर्डर पे लड़का बनवा दो। एक तो ऑर्डर पे अपनी डाई दे दो, लड़का तैयार कर दूंगा। दूसरा यार, हम जिस इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं वहां पर लोगों ने सालों साल एक ही लुक रखे हुए हैं, क्योंकि आप हम वो इंडस्ट्री नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री या आप हॉलीवुड देख लो कि आपने एक काम करने के बाद करोड़ों रुपए आपके अकाउंट के अंदर मौजूद हो, तो फिर आप नेक्स्ट काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो 8 महीने 6 महीने पहले से, पहले अपने लुक्स डिसाइड करो, फिर उस पर वर्क करो, फिर अपनी बॉडी पे मोटा करना है पतला करना है जैसा भी वॉट एवर डायरेक्टर की डिमांड होती है, प्रोड्यूसर की डिमांड होती है, बाल बड़े करने हम अभी उस कैटेगरी के नहीं है लोग, हमें रोज शूट पे जाना होता है और आज 15-10 दिन हम इधर कैसे करेंगे, हमें एक ही लुक रखना पड़ता है 3-3, 4-4 साल तक और शायद जिंदगी भर भी। काफी हमारे सीनियर ऐसे जिन्होंने वो गलत नहीं, अच्छे से काम किया और उनका अपना क्राफ्ट अच्छा था ना, वो लुक्स पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो लुक्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। और दूसरा ये कि हमारे लोगों को, हमारे प्रोड्यूसर्स को और दूसरे डायरेक्टर्स को ये बात समझनी होगी कि आप जो डिमांड कर रहे हैं फिर उस ग्राफ पे उस चीज को बनाए भी तो, अगर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर उस ग्राफ है उस चीज को बना रहे तो हम भी एक वक्त में एक काम कर रहे हैं, साल में एक प्रोजेक्ट, पूरी एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल, पूरी एक साइकिल, तो हमें सिस्टम के तहत चलना होगा, सिस्टम के तहत चलना। ओके जी, अगला सवाल, क्या रायद शादी से पहले बेगम को अपने प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाया करते थे? मैं ये बात तो सही नहीं है क्योंकि बता दो तुम बता दो। अरीबा जो है हाँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है, और मेरी बहन की दोस्त थी और उससे मेरी तकरीबन, मैं उसको बचपन से ही जानता हूँ और हमारा सीन ये था कि जब मुझे मेरी अम्मी अबू ने कहा कि हम तुम्हें पाकिस्तान में अकेले नहीं रहने देंगे, अब तो खैर नहीं, अब तो लोग बहुत अच्छा समझने लग गए हमारी फील्ड को और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अवेयरनेस आ गई है, लेकिन पहले जो था वो बुरा समझते थे। उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पुराने किस्से सुना के उससे हमदर्दियां ली है। नहीं नहीं, हमदर्दियां मैंने शादी के बाद ली है। कहानी हर शौहर की, तो मुझे ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन ये दिखा, मैंने कहा शादी कर ले यार मुझसे। एक मिनट, अम्मी लोगों ने इनका कहा था या आपकी पसंद? नहीं, मैंने खुद कह दिया था, मैंने कहा एक काम कर रहे हैं शादी करानी तो अरीबा से करा दें। अम्मी ने कहा मुझे तो एतराज नहीं है। अरीबा को इस चीज का पहले से पता था? नहीं। आपने कभी अपने नहीं, 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 को शो किया था? कुछ भी नहीं यार, एक दिन पहले तक बेस्ट फ्रेंड ही थी, जब मैंने उसको बोला सका तुम दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे ही फ्लर्ट करोगे। यार देखो, अब जिससे शादी करने जा रहे हो उसको पिछले सारे किस्से पता है, सब पता है, तो अब मैंने कहा तो बोले डायरेक्ट रिश्ता भेजो। मैंने रिश्ता भेजा वहां से, उनकी अम्मी अबू मुझे जानते थे, मेरी अम्मी बेसिकली अरीबा को जानती थी, तो आपको देखने उनके वाले तो नहीं, सब जानते थे पहले से, फिर बात हो गई, डन हो गई।
तो फिर शादी के बाद भाभी ने कभी पुरानी मोहब्बतों के ताने मारे? हाँ। तो तुम्हारे साथ ऐसे कहते, अब तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं हो रही। मजाक मजाक में तो बहुत कुछ हो जाता है। बीवी कभी नहीं छोड़ दी। इससे पहले गए कुछ और हम हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिल गए। असली बॉडी वाले राइस आलम। इंजेक्शन वाले नहीं है भाई, ये मेहनत की है इस लड़के ने। इतनी तेज कैसे बोल लेता है यार? मैं तेज कैसे बोल लेता हूँ? हाँ। जब पैसे मिल लेते ना बंदा। अच्छा भाई, क्रिकेट भी खेली है आपने, तो पावर प्ले के बारे में पता होगा, तेज से छक्के मारे थे। इसको छोड़ो, मुझे ये बता मेरे भाई, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, सब कुछ सही है, तो कैच क्यों नहीं पकड़ता? कैच में हाथ, मेरा भाई कैच में हाथ ही नहीं डालता, कोई इंजरी का डर है क्या है? यार बेसिकली अब बता, काफी टाइम के बाद क्रिकेट स्टार्ट की। हाँ। तो दो दफा कैच पकड़ने गया हूँ, तो एक दफा इस उंगली पे लगी। हाँ। एक दफा इस उंगली पे लगी, तो कैच डालूंगा नहीं। मैंने कहा बॉस, बॉल का हाथ ही डाला, जाने दो, जो कर रहे तो क्या होगा, एक कैच ही मिस हो जाएगा ना भाई, उंगलियां तो सलामत रहेंगी। लेकिन अब दोबारा प्रैक्टिस में आ गए, अब तो अब पकड़ लेते कैच, अब तो इजी। देखते हैं हमारे मैचेस होने वाले आगे, होने वाले हैं, आपको अपडेट दूंगा। हम खेलने लगे हैं अगला गेम, जो कि है पावर प्ले। आपने तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। पहला सवाल, शोबिज में पैसे कमाने के लिए आया था, हाँ या ना? हाँ। सिर्फ पैसे कमाने आए थे? हाँ। नाम तो बन ही जाएगा यार, नाम तो बन ही जाएगा, वेरी गुड। डायरेक्शन, एक्टिंग, मॉडलिंग, कौन सा काम मजदूरों वाला लगता है? एक्टिंग। एक्टिंग मजदूरों वाला लगता है, डायरेक्शन इतनी मुश्किल नहीं लगती? नहीं। और मॉडलिंग भी नहीं लगती? नहीं। ओके जी, अगला सवाल, इंडस्ट्री में दोस्ती मतलब की, वरना तू कौन मैं कौन? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई पक्का जेन्युइन फ्रेंड नहीं होता है यहाँ? नहीं, वो फिर इंडस्ट्री से नहीं होता, आपके बिहाइंड द कैमरा, अगर आपके ऑफ कैमरा दोस्ती अगर है तो फिर सही है। सिर्फ इंडस्ट्री के हद तक वाले दोस्त नहीं है, जैसे उमर हो गया, तुम हो गए, या हमारे साथ हो गए, दो तीन लड़के और हैं, और लड़कियां हैं, जैसे उनसे मेरी कभी भी, मैंने उनका काम नहीं किया। और तुम्हारे साथ मेरे ख्याल शायद एक टेलीफिल्म की होगी, किसके साथ हीरो नहीं आना चाहेंगे? सही है, शाजील शौकत, किंजा हाशमी, यमुना ज़ैदी। शाजील शौकत। शाजील के साथ हीरो नहीं आना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ड्रामे के लिए अच्छी है, फिल्म के लिए नहीं। फिल्म के लिए नहीं है? नहीं। क्यों? फिल्म का एक ऑरा होता है, मुझे फील होता है। जो शाजील को क्या, किन चीजों पर काम करना चाहिए? हमेशा सीखना ही है आपको, हर लम्हा। मैंने ऐसे भी देखा यार, अपने आपको बहुत तुरंत खास समझ रहे होते हैं, यार तुम इसको एक्टिंग को यूं करो, तुम यूं करो, तुम यहाँ पॉज हो, वहां लो, और जब सीन खड़ा होता तो खुद ब्लैंक हो जाता तुम्हें। यार ब्रेक लेने यार, वो असल में इंपॉर्टेंट बात है, काम है, मैं आता हूं। दूसरों को मशवरा दे रहे, खुद से हो नहीं रही, खुद से हो नहीं रही। ओके जी, कौन सी अदाकारा बिला वजह किसी दूसरी इंडस्ट्री की अदाकारा की कॉपी करने की कोशिश करती है? यार ये तुम फंसा रहे हो, बताओ। ज्यादा कॉपी ना कह लो, इंस्पायर होके, इंस्पायर होके उनका रंग दिखता है उनमें। हमारी ज्यादातर हीरोइंस का यही है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया दीपिका को ज्यादा फॉलो करती है। सोनिया दीपिका को करती है? मुझे तो लगता है प्रियंका को करती है। प्रियंका को उसके लुक्स है, लेकिन जो उसके जो आउटफिट पहनती है, जो उसके ड्रेसअप करती है, वो स्मोकी और थोड़ा सा रफ, वो टोटल दीपिका की तरह दीपिका लगती है। और हीरो हमारे एक्टर्स में कोई दिखता है आपको, कोई मर्दाना? नहीं, पहले वहां तक पहुंच तो जाए। ओके जी, अगला, लॉन्ग ड्राइव पर कौन होगा आपका हम सफर, मायरा खान, सजल अली, आयजा खान या नीलम मुनीर? मेरे ख्याल से नीलम ज्यादा इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनर। फिल्म में भोले भाले हीरो का किरदार करना या जल्लाद विलन का? मुझे लगता है कि भोले भाले भाई कैरेक्टर, क्योंकि जल्लाद जो है ना, वो मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, कर लिया। नेगेटिव बहुत कर लिया, मुझे नेगेटिव नहीं करना, पॉजिटिव करना। बहुत गालियां पड़ती है ना नेगेटिव करने के बाद। यार हर बंदा बोलते हैं आप ऐसे, कभी हुआ कोई फैन ने मिलके आपको ऐसा कर दिया था, रियल में आप बुरे हो गए हो? हां हां, बहुत दफा हुआ है। क्या क्या हो गया? आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? किसके साथ? और वाइफ खड़ी है, मैंने कहा पता नहीं किसकी बात करी, मैंने किसके साथ नहीं किया। और वाइफ चेक करिए, ये कहीं और भी कुछ कर गया है, मैंने आपको देखा था उस ड्रामे में आपने ये। अरे भाई, पहले ड्रामे का बता दिया करो, क्यों किसी की अज़दवाजी जिंदगी खराब कर रहे हैं आप लोग? के चली जाती है ऐसे मार्केट के बीच में, अच्छा नहीं क्या? अरे क्या ये तो बता दो। अच्छा नहीं क्या, क्या नहीं क्या भाई? जो शिकायत करने आ रहे हैं पहले बताए वो शिकायत किस चीज की कर रहे हैं, और फिर अपनी शिकायत कंप्लेन तो बता दो कि मैंने किया। आपका हमने वो ड्रामा देखा था, उसमें आपने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया।
तो बेचारे सारे जो होते हैं आसपास के लोग, ऐसा ना कि आधे जुमले पे ये पिट जाए और बाद में आप क्लेरिफिकेशन दे, नहीं हम ड्रामे की बात कर रहे हैं, गलत मारा आपने लड़के को। ओके जी, इन तीन चीजों के बगैर नहीं रह सकते यार। मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता, जिम के बगैर नहीं रह सकता, और अपने आर्ट जो मेरे डायरेक्शन मेरी एक्टिंग है। ऐसा दोस्त जिससे जबरदस्ती दोस्ती निभानी पड़ रही हो यार, फील्ड से कोई भी नहीं है, लेकिन फील्ड से हट के बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे चिपक जाते हैं बहुत ज्यादा ऐसे गोंद की तरह, और आपको जबरदस्ती करना पड़ता है। अबे यार, क्योंकि आप सर, हम जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, हम जरा सा एटीट्यूड दिखाते हैं या हम जरा सा कुछ बोलते हैं या अपनी प्राइवेसी नहीं जाते, या नहीं जाते, या अपनी प्राइवेसी को थोड़ा देखते हुए हम कोई बात बोल देते हैं, तो सामने वाला सिर्फ एक जुमला बोलता है, कल तक कुछ नहीं था, आज साले के अंदर एटीट्यूड आ गया। तो यार यहाँ लग जाती है यार एटीट्यूड किस बात का यार, काम की वैसे नहीं आ सकता। हाँ। जरूरी तो नहीं कि अब हम हर जगह मौजूद हो। हाँ। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हर जगह मौजूद हो? दोस्त वही होता है जो समझता है, दोस्ती और प्यार तो हमेशा कुर्बानी मांगती है। वाह, क्या बात कर दी यार, यार कैमरे में देख के बोले यार राय दिए तो। दोस्ती और प्यार हमेशा कुर्बानी मांगती है। ओके जी, आपकी कोई ऐसी आदत जो दूसरों से आपको पता चली हो? गुस्सा। गुस्सा, लोग कहते हैं कि सारा गुस्से में रहता है और फौरन गुस्सा आ जाता है, लेकिन नहीं यार, मुझे गलत बात पे फौरन गुस्सा आ जाता है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप कभी ना करना चाहें? मैं हैरेसमेंट वाला। हैरेसमेंट वाला जो तशद्दुद करते हैं? तशद्दुद करते हैं। ज़हनी भी तो होती है वो, तो तुम कर रहे हो। ज़हनी जिस्माने तशद्दुद नहीं करोगे, ज़हनी कर लोगे? नहीं, दोनों नहीं करोगे। दोनों नहीं करोगे पक्का? ना। और जिस पे किया जाएगा वो कर लोगे? हाँ, वो कर लूंगा, उसमें सिंपैथी हासिल कर लूंगा। ओके जी, बेगम के साथ कहाँ जाना अच्छा लगता है? कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव या साहिल समंदर? या कैंडल लाइट डिनर पे भी और लॉन्ग ड्राइव पे भी। लॉन्ग ड्राइव लेके जाते हो या सिर्फ बातें करते हो? नहीं, लेके जाता हूं। ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है आपके कुछ दोस्त, कुछ कलीग्स, जिनके आपको पासवर्ड गैस करने, क्योंकि आप उनको बारीकी से जानते हैं। पहला पासवर्ड जो आपको गैस करना है वो है साकिब मलिक का। साकिब भाई का पासवर्ड क्या होगा? साकिब भाई का पासवर्ड होगा रोल कैमरा एक्शन। कैमरा एक्शन, हाँ, डायरेक्टर है। एक बात कितनी दफा रिपीट करते हैं, 70-70 रीटेक्स लेते हैं। अच्छा, साकिब तो एक वक्त बड़ा मशहूर था कि 30 रीटेक्स, 40 रीटेक्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 रीटेक्स लेते हैं और लगाते हुए पहली वाली है। तो लगती पहली थी, क्योंकि मैं एडिट बैठता था, मैं पहली ही लगाता था। देखा, ये होता है क्लाइंट का पैसा हलाल करना। हलाल कर, उसने पैसे बहुत दिए ना, आप बताओ भाई। तो साकिब का डेफिनेटली पासवर्ड होगा रोल कैमरा एक्शन, इतनी दफा याद होगा। आयजा खान का पासवर्ड क्या होगा? आयजा खान का होगा चुप रहना। चुप? हाँ। नहीं यार, आयजा तो बोलती है। आयजा देखो, आयजा सिर्फ उनके साथ बोलती है जो दोस्ती है, दोस्ती हो, वरना अदरवाइज वो चुप होती है। ठीक है जी, हारून कादवानी चीखना उसका पासवर्ड है। मैं चीख रहा हूँ। चीखना चिल्लाना अग्रेशन। अग्रेशन, ओके। हानी आमिर का पासवर्ड क्या होगा? स्वीट। सबूर अली का पासवर्ड क्या होगा? इनोसेंट। इनोसेंट, पटाखा बोलो भाई, सबूर इज अ पटाखा। सबूर मासूम पटाखा कह लो, मासूम पटाखा है। हाँ। इन पटाखा वो सिर्फ दोस्तों के साथ खेल के अंदर है। यशमा गिल, यशमा गिल के कहते हैं तो पटाखा। पटाखा, हाँ, तो है पटाखा वैसे। यशमा गिल पटाखा है, वो चाहे वो बिहाइंड द कैमरा हो या इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो पटाखा ही रहती है। जी, इमरान असलम। इमरान असलम सीरियस। सीरियस? हाँ। अरे भाई, वो भी कम नहीं है। इमरान असलम की जुगतें बहुत टाइट होती है। बहुत सर, वो तूफानी लड़का है। बल्कि जुगतें रखते हैं। हाँ, जुगत, इसका इमरान असलम का जुगते हैं। जुगते हैं। ओके जी, किंजा हाशमी। तमीजदार। तमीजदार, हाँ हाँ, वैसे हाँ है। जवाब दे दिए, हम चाहेंगे रहे, क्योंकि आप में ना एक वो हल्का तो होस्ट वाला अंग है। हम चाहेंगे कि ब्रेक आप लें, ये कैमरा आपके लिए लगा हुआ है, आप ब्रेक ले लो फौरन से। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। कहीं और होना चाहिए, बेसिकली जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, मतलब रोड पे चलते हुए? हाँ, nice, बहुत ज्यादा लोग। फिर आप क्या करते हैं, आप घुल मिल जाते हैं या अपने रास्ते निकल जाते हैं? नहीं नहीं यार, एटीट्यूड किस बात का। तो क्या करते हैं बताया ना, तारीफ होती तो शर्माते हैं खड़े होके या क्या? थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अगर कैसे हैं आप तो बोलते सर अल्लाह हाफिज़।
ये पैकेज महदूद लोगों तक के लिए। अच्छा कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला कि आपको थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ यार ये तारीफ हुई है या इंसल्ट हुई है? कुछ लोग करते थे ना उनको लगता है कि तारीफ की हमने, लेकिन वो आपके लिए इंसल्ट होती है। जैसे लोग अक्सर बीच में बोल देते यार वो जो तुमने काम किया था ना नेगेटिव जो काम किया था बहुत बुरा था यार। अब वो समझ में नहीं आता वो कह रहे हैं कि वो बुरा यानी वो नेगेटिव को तुमने बुरा किया अच्छा वाला बुरा किया या बुरा वाला बुरा किया वाला बुरा किया। तो दो मिनट के तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ये क्या कह रहे हैं। अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो है आपको कुछ चीजों के नाम रखने हैं। भाई देखो मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा है, अगर आपको इन चीजों के नाम रखने होते तो आप क्या क्या रखते? ठीक है जी, ओके जी, झिलमिल झिलमिल। अरे वाह बल बल झिलमिल, वेरी गुड नेम। अगला दूरदर्शन। दूरदर्शन इससे आप बहुत सारी चीजों के दर्शन कर लेते हैं और लोग आपसे दूर भी नहीं होते। सनलाइट आ रही होती आप ये लगाते तो बिल्कुल आपको दूर की चीजें। बड़ी काम की चीज है भाई, यूं आपने फेस किया हुआ देख यूं रहे पता नहीं चल रहा। पनखड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। सहारा, सहारा वाह वेरी गुड। और ये सहारा जब रात में लगता है ना अंधेरे में बहुत जोर का लगता है। ये अगला राज मत कह देना। रेनबो, रेनबो गहरे पानी में कर रहे हो। अगला बचाओ, बचाओ वाकई भाई ये ना तो गोटियां। वैसे गोटियां तो हैं इसमें यार। हाँ नहीं फूड गेम का जैसे कैरम है ना। हाँ तो आजा गोटियां खेलें। हाँ हाँ ओके अगला प्रोटीन। प्रोटीन वाकई वाकई बहुत जरूरी, बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत जरूरी। आजकल कितने अंडे खा रहे हो तुम? यार मैं आजकल कम खा रहा हूँ, 6-7। अच्छा पीक पे कितने कितने अंडे खाए अपनी पीक पर? 16 एक दिन में। 14 या 16 अंडे। तो ये जब आप 14-16 अंडे खाते तो फिर आप देते भी हैं या सिर्फ खा रहे होते? नहीं देने की तो नौबत ही नहीं आती। औकात, औकात वाह वेरी गुड। अगला रेशम, रेशम वाह भाई वाह रेशम, मोजे का नाम लिख दे रेशम। ओके जी जो अगला गेम है राइट वो है चैलेंज हमारे लिए भी आपके लिए भी। आपने हेडफोन पहनने और आपके कुछ गाने हैं फेवरेट वो हमने प्ले करने हैं और आपके साथ गाने। आर यू रेडी? रेडी बॉस। पहला गाना की दुल्हना बन जाना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना कर रही है मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं किसी और की दुल्हना बन जाना। बुरा तो नहीं गाया? नहीं नहीं बहुत बुरा। मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ मैं किसी और की दुल्हना बन जाना। भैया अगर वो आपका इंतजार भी कर रही थी ना भाग जाएगी, अब वो किसी और की दुल्हन बनेगी। जिस तरह रोका ना आपने। ओके जी अगला गाना मस्ती का समां झूमे आसमां है सितारों का इम्तिहान, ये हिम्मत जवां ऐसे अपने जीते का कौन या जोश कितना है जोर कितना है आए जाए कहां आए जाए कहां। हाँ जलाने को जो जलाने को आ रहे आए यहाँ ए यो ए यो ए यो आले 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 ओ आले 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 ओ ए यो ए यो ए वेरी गुड वाह आले 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 ओ। आपको पता था क्या गाया है? पता नहीं कुछ भी याद नहीं। क्या याद है मैन अरे 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 आपने बाकायदा थप्पड़ गाया फिल्म द ब्लैंक्स गाया आप। भाई बहुत मुश्किल होता है गाना सर, यही तो गेम है। आपने गाना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके जी ये गाना आपको बहुत पसंद है, ये आप बहुत अच्छे से गाएंगे। बोलो बोलो तुमने क्या देखा तुमने मेरे में, ये ये क्या देखा क्या देखा क्या देखा बताओ। मोदे तो सारे हजारों हैं, मोदी जो हमारे यहाँ जापानीज में शुरू हो गए भी क्या हो वे तूने क्या देखा। वेरी गुड सजाद भाई आई एम सॉरी क्या देखा
तेरी गाड़ी देखी, तेरी गाड़ी देखी, मेरा बंगला देखा या मेरा गहरा बैंक बैलेंस देखा, मेरी कपड़े देखे या मेरा जिम्मा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा, हमें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, वाह, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, बस चलाऊंगा, तुमसे नहीं है यार। राइट राइट, जापानी फिल्में देखते हो? वही गा रहा हूंगा। नहीं, जापानी फिल्में, जापान जाने का शौक है आपका? बहुत स्कोप है क्योंकि जापानी बहुत अच्छी बोलते हैं। जाने से पहले अपने दोस्तों से, फैंस से कुछ कहना चाहेंगे दिल की बात? मैं देख रहा हूँ यार, जहाँ जा रहे हैं, जिस तरह जा रहे हैं, एक छोटी सी क्यों ना बात हो, क्यों से एक बंदा यूं का क्या हट गया, या किसी ने कोई पैसे ऊपर नीचे हो गए गलती से, या आपकी कोई भी गाड़ी अगर थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, या हल्का किसी ने साइड दिया, पागलों की तरह लड़ने एक दूसरे भाई, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त नहीं, एक कौम है यार, हम जिस तरीके से अपने आप को ब्रॉट अप करोगे, जिस तरह चलोगे, दूसरा मुल्क तो हमें वैसे ही देखेगा ना। सही बात। हम लोग तो ट्रैवल भी कर चुके हैं साथ, लोग पाकिस्तान को एक अच्छी निगाह से देखते हैं यार। अगर हम आप खुद अच्छे बनेंगे तो आप अपने अच्छे मुल्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, अपने मुल्क को कर सकते हैं। जी, तो सही बात। थैंक यू सो मच राइट। राइट ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं इस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच राइट। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। यासमान।